वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त AK सरकार और अभी हम पटना जंक्शन पे हैं। ये नज़ारा आप कुछ पटना जंक्शन का है। ये जो आप 100 फीट की ऊंचाई पे जो तिरंगा देख रहे हैं कैसे लहरा रहा है, वो एक अलग ही व्यू आता है। पटना जंक्शन पे हूँ और पटना जंक्शन पे रहूँ और महावीर मंदिर को ना दिखाऊँ, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे यात्रियों का आना जाना स्टार्ट हो गया है और पटना जंक्शन पे ही एक ट्रैवल बॉक्स भी बनाया गया है जो उस साइड में है और मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ आपको। अभी चलते हैं आगे की ओर और आगे क्या कुछ खास है वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इस समय सुबह का वक्त है और पटना जंक्शन पे कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा रश मिल रहा है। ये CNG ग्रीन बस सर्विस जो कि पटना और बिहार को स्वच्छ रखेगा, प्रदूषण मुक्त रखेगा। और सामने ये जो मेरे देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस है जो कि पर्यावरण को अभी सुरक्षित करने में इन दो बसों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। अभी हम लोग हैं बुद्धा पार्क वाले रास्ते में। ये जो पार्क जाती है वो रास्ता है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हमें जाना है बेली रूट, तो यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट टर्न डाक बंगला चौराहा से। ये हम लोग डाक बंगला चौराहा पे हैं और यहाँ पे अगर आप सामने जाओगे तो गांधी मैदान की तरफ चले जाओगे, लेकिन हम लोगों ने ले लिया है लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न लेके हम लोग चल रहे हैं अभी बेली रोड के तरफ। ये फ्लाईओवर बहुत दिनों के बाद आए हैं, क्योंकि हमने बताया कि पहले तो रेगुलर ही आया करता था, लेकिन ये फ्लाईओवर जब से बना है मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। अब ये स्मार्ट सिटी को बिहार को अगर बनाना है तो ये सब चीज़ तो थोड़ी सी दिखनी ही होगी। रात्रि के समय में ये जगह काफ़ी सुहाना लगता है। वैसे आप देख रहे होंगे मेरे दोनों तरफ से कैसा लगता है ये जगह। गाड़ी को हमने लगा दिया यहाँ पे पार्किंग में। तो फाइनली गाड़ी को हमने पार्किंग में लगा दिया और उसका ये मिल गया हमें टिकट, आने के बाद देना है। ये है सुरक्षा। तो आप जू आते हो यहाँ पे तो आपको गाड़ी पार्क लगाना ही पड़ता। तो यहाँ पे हर चीज़ वो मिलता है जो यहाँ पे आप लोग लेना चाहते हैं। और तो ये जूस वाले भैया कैसे है जूस? 20 रुपये गिलास है। एक गिलास बनाइए, एकदम फ्रेश पानी वाला नहीं, पानी नहीं डालता है। तो पटना जू आते हैं तो ये भैया के पास ज़रूर आए और यहाँ से जूस ज़रूर पिए। 20 रुपये इनका ग्लास जूस है, बिना पानी वाला गन्ने का जूस है। ये आप देख सकते हैं फ्रेश जूस यहाँ पे बन रहा है।
बिल्कुल फ्रेश है, टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। और एक बड़ा ग्लास है, 20 रुपये में बड़ा ग्लास। ये पटना के क्या नाम बताए भैया? संजय गांधी जैविक उद्यान के पास ये भैया गेट नंबर 1 के पास भैया लगे रहते हैं। और यहाँ से आपको ये फ्रेश जूस मिल सकता है। हमें टिकट मिल चुका है, ये रहा टिकट, 30 रुपये का टिकट है एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए कम है, वहाँ पे बच्चों का लिखा हुआ है 10 रुपया है और एडल्ट के लिए 30 रुपये टिकट का चार्ज है। और अभी जो जो सिचुएशन है ड्यू टू कोविड, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पार्क को खोला जा रहा है। अभी हमारे पास टिकट मिल चुका है और चलते हैं अंदर की ओर। जू के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये जब पास हो जाता है तो टिकट को क्रॉस कर दिया जाता है, इस टाइप से फाड़ दिया जाता है। वेलकम टू पटना जू। तो पटना जू में प्रवेश कर चुके हैं और टिकट को ऐसे फाड़ दिया जाता है। जब प्रवेश आप कर जाते हो तो अंदर की ओर स्कैन करके फाड़ दिया जाता है। यहाँ पे रूट मैप है तो वो आप देख लीजिए। तो ये आपका रूट मैप है, यहाँ से ऐसे बगल से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गोल्फ क्लब भी है इसी के अंदर। मैप के बाद अभी अंदर की ओर चल रहे हैं। ये लकड़बग्घा भाई साहब पहले हमें दिख गए हैं। ये तेंदुआ वाले भाई साहब इस गेट के ऊपर है, ये कितनी सुकून की चैन ले रहा है। आ रही है तो सारे जो विजिटर हैं वो भी एक्साइटमेंट के साथ हैं। इधर बंद कर दिया गया है और नया ये जो बनाया गया है ये नया पुल है। और यहाँ पे है हमारे पूर्वज। ये जो पुल है ये सब नया बनाया गया है और पहले ऐसा नहीं था यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं वो देखिए हमारा पूर्वज वो। चिंपैंजी। ये है गिद्ध महाराज ऊपर में बैठे हुए आराम से लेटे हुए। अभी अभी तक देख लिया है, तेंदुआ देखा है, चिंपैंजी देखा है, अभी रिसेंट में गिद्ध देखा है। और अभी बढ़ रहे हैं आगे की ओर। ये अब लगता है इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, देखते हैं आगे है या नहीं। ये आराम फरमा रहे हैं। हेलो ओए। तो ये यहाँ पे बगल में आ गया है टाइगर, और तो टाइगर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये है टाइगर। पहले वो दिन याद आ रहा है जब बैंकॉक में एक टाइगर किंगडम प्लेस ही है और वहाँ पे बहुत सारे टाइगर को सुरक्षित रखा गया है घूमने के लिए और देखने के लिए।
तो वो जगह हमें याद आ रहा है, टाइगर किंगडम बैंकॉक के फुकेट में है। ये बाबू साहब पानी में मजा ले रहे हैं, शुतुरमुर्ग। है देसी भालू है, मदाड़ी में लोग पहले यूज किया करते थे, ये वही भालू है। तो अभी हम आ गए हैं चिड़िया की तरफ, बहुत सारे चिड़िया का मेला है। कोकाटिल जो खाली है पूरा, बहुत सारे कोविड के कारण यहाँ पे बजरीरगढ़। चील और बाज जो है इंडिया से विलुप्त हो रहे हैं और पटना के जू में देखने को मिल सकता है। ये है एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, और सबसे बड़ा ये वाला जो है सबसे बड़ा है। ये कछुए का जो जीवन है वो। फाइनली हम निकल चुके हैं जलीय जीव के अंदर से। तो अगर आप हिरण को नहीं देखे हैं तो पटना जू जरूर आएं और हिरण को यहाँ पे देखें और काउंट करके बताएं कितना है। काउंट करके जरूर बताएं कितना सारा है। तो ये है आपका बारहसिंघा। ये अब चलते हैं जेब्रा के तरफ और जेब्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो है हिप्पोपोटामस का प्लेस बनाया गया है और पानी से ये बहुत ही प्यार करता है, जिसके कारण ये पानी में के अंदर है। ये देखिए, पटना जू का फाउंटेन पॉइंट, वाटर फाउंटेन पॉइंट है यहाँ पे। जू का लचका पुल है।
ये है जू का लचका पुल। मछली घर वो अभी इसका टिकट तो बंद है। और वो रहा मुंह, मछली का जो मुंह है वो रहा, तो अभी बंद है, पूरा बंद है। पे जब पहले आया करते थे तो ये सब चीज़ मिलता था यहाँ पे, लेकिन अभी पूरा बंद है। इसमें चलते हैं, क्या है कुछ खास। ये मगरमच्छ इतना आराम से सो रहा है। तो अभी ये घड़ियाल हम लोगों ने देख लिया है और इससे आगे की ओर निकलते हैं। तो हम लोग चलते हैं झील की तरफ। यहाँ से झील का नज़ारा ले सकते हैं आप। ये अभी हम यहाँ पे हैं, पूरे झील का नज़ारा यहाँ से ले सकते हैं। और ये जो आप फाउंटेन उधर से आप देख रहे थे, ये आपको इधर से ही मिल गया देखने को। ये आप देख सकते हैं, ये जो बोट है, कुछ कुछ बोट यहाँ भी है, वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी बोट चालू नहीं है पटना जू में। दो फाउंटेन है बीच में, तो एक खराब हो चुका है, यहाँ वाला जो है वो खराब हो चुका है, और इस साइड वाला एक चल रहा है। तो अभी पटना के जो जू है, पटना का जो जू है, वहाँ पे अभी एक ही फाउंटेन चल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे आके आप लोग फोटो शूट कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द आए। और हाँ, याद रहे कि 6 से 12 ही है टाइमिंग। ये है पटना जू का कैंटीन एरिया, अभी ये पूरा बंद है, पता नहीं कब खुलेगा, वो आइडिया भी नहीं है। तो ये जू का है कैंटीन एरिया और अभी तक ये बंद है, और पता नहीं ये कब खुलेगा या नहीं खुलेगा, कोई आइडिया नहीं है। जू का सबसे पुराना जो है रेलवे है, ये आप देख सकते हैं 3-4 डब्बों वाला ये रेल, मोनो रेल। तो ये एयरफोर्स का फाइटर विमान है और पटना के जू में प्रदर्शनी में इसे रखा गया है। तो ये पटना का जू का जल उद्यान और वाटरफॉलिंग भी यहाँ पे हो रहा है। फाइनली पूरा कवर करते हुए अभी हम लोग बाहर के रास्ते निकल रहे हैं, चिड़ियाघर के बाहर। तो अभी इस रास्ते से ये एग्जिट पॉइंट है, और एग्जिट पॉइंट से वो जो रास्ता है, इधर से लोग क्रॉस करके आ रहे हैं, उसके उस तरफ से हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो फाइनली चलते चलते बाहर आ गए हैं और गेट के तरफ आ गए हैं, और यहाँ से अब निकलते हैं बाहर की ओर। तो पूरा कवर करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर, और अभी घड़ी में बज रहे हैं 10:30। तो
9 बजे गए थे और 1.5 घंटा में पूरा कवर कर लिए हैं और ये 12 बजे तक अभी खुला हुआ है। तो आप लोग देर ना करें और जल्द से जल्द बेली रोड में जो पटना जू है वो वहाँ पे आएँ और इसका आनंद लें, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है ना वो नया आ गया है। तो जल्द से जल्द यहाँ पे आएँ और उसका आनंद लें। फाइनली ब्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। आगे भी और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके बीच लाता रहूँगा। अभी के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।